अभी क्या करना है, डिवीजन देना है कि कौन कौन सा डिवीजन में, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन या फेल है, वो हम लोग यहाँ पे ठीक उसी तरह फॉर्मूला पुट करके लिखेंगे। तो चलिए अभी डालते हैं और डालने के बाद देखते हैं कौन कौन सा डिवीजन में, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इक्वल टू देके शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल टू देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसी तरह हम लोग फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया, आप फॉर्मूला डाउन कर लीजिएगा। तो फॉर्मूला है इफ़, ठीक है, इफ़ लिख के क्या करना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट देना है। ये देखिए लॉजिकल कंडीशन, इफ़ मतलब इफ़ के बाद इफ़ मेरा कंडीशन, अगर ये कंडीशन रखता है, अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इफ दे दिया। उसके बाद लिखिए लॉजिकल टेस्ट, हमको अभी लॉजिकल टेस्ट डालना है। तो लॉजिकल टेस्ट हमको क्या होना चाहिए, वो निकालने के लिए देखिए यहाँ पे मुझे एवरेज चाहिए, ठीक है। यहाँ में लॉजिकल टेस्ट में एवरेज मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले एवरेज निकाल दिया, ठीक है, एवरेज हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये जो एवरेज है मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, इस सेल से एवरेज, ठीक है। तो हम लोग का एवरेज यहाँ पे आ गया। एवरेज आने के बाद हमको क्या कंडीशन रखना चाहिए, देखिए अगर मेरा हम बता रहे हैं कि रिजल्ट में ऐसा लिखना है फॉर्मूला, अगर मेरा एवरेज इतना से ऊपर होता है तो हमको वो होना चाहिए। तो हमने एवरेज सिलेक्ट करते, अभी लिखना है कि ग्रेटर देन, इफ़ एवरेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, अगर हमारा एवरेज अगर 60 से ऊपर होता है तो हमको क्या रिजल्ट होना चाहिए। तो 60 लिख के हमको कॉमा देना है, मतलब इसको कंडीशन को पूरा अलग करना है, ये जो हमारा कंडीशन है और इस कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा ये यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है, FIRST फर्स्ट लिखेंगे। तो देखिए ये मैंने ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है वो फर्स्ट लिखिए ये आप, या फिर थर्ड डिवीजन लिखिए, फर्स्ट लिखिए, मतलब आपका जो मर्जी वो इसके अंदर लिख सकते हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसको ठीक डालना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने बोल दे कि अभी एवरेज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 आता है तो हम लोग को फर्स्ट पोजिशन आएगा, ठीक है। अगर नहीं तो फिर से हम लोग को और एक कॉमा देके, मतलब इसको पूरी तरह से अलग कर दिया अभी, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हमको अभी पूरा दूसरी और एक कंडीशन डालना है। अगर इस तरह का नहीं होता, अगर उसका एवरेज 60 से नीचे है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे अभी डालेंगे, ठीक। उसी तरह इफ़, ठीक है, इफ़ लिखने के बाद सेम उसी तरह ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। तो लिखेंगे एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, ठीक है। अगर हमारा एवरेज 45 से ऊपर या 45 है तो उसका क्या होना चाहिए रिजल्ट। तो मैंने बोल दिया कि हमको कोमा देके इसको कंडीशन का अलग करना है, ठीक है, कोमा देके कंडीशन अलग करना है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिखेंगे सेकेंड, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, उसके बाद हम कोमा देके इसको अलग कर देंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह हम लोग को अगर 45 से नीचे आए, किसी स्टूडेंट का 45 से नीचे मार्क्स आता है एवरेज, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, ठीक उसी तरह इफ़, ठीक है, इफ़ लिख के हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। हम कंडीशन डालेंगे एवरेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या 30, ठीक है, 30 से ऊपर आता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे थर्ड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ठीक है। अगर 30 से ऊपर भी नहीं आता है उसका तो हमको क्या डिवीजन आना चाहिए, वो हम कंडीशन डालेंगे फेल, ठीक है। 30 से नॉर्मली तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ या फिर यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जाओ, 30 से बिलो आएगा तो वो फेल है स्टूडेंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फेल, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग ने टोटल कितना कितना यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया था, 1, 2, 3, ठीक है, वो तीनों को अभी हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो 3 एक ही साथ 3 हम दे देंगे, ठीक। उसके बाद इस फॉर्मूला को पुट करने के बाद अभी हम लोग देखते हैं कि जो फॉर्मूला हमने डाला कंडीशन के साथ वो सही है या नहीं। तो हम लोग एक ही तरह से वो
कर सकते हैं। अगर हम वो फॉर्मूला सही है तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा, अगर सही नहीं होता है तो वो फॉर्मूला गलत है बोल के हमको नोटिफिकेशन दे। ठीक है, तो हम लोग अभी सीधे एंटर डालते हैं, एंटर में क्लिक करते हैं और देखते हैं उसका रिजल्ट। ठीक है, देखिए वो सेकंड डिवीजन में आया। ठीक है, उसका रिजल्ट सेकंड डिवीजन में। ठीक, उसी तरह सभी का निकालेंगे एक ही प्रोसेस से। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा हमें रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करना है, अभी ग्रेड निकालेंगे। ठीक है, तो ग्रेड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए नॉर्मली, तो फॉर्मूला के बिना हम कुछ नहीं कर सकते माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल्स टू देके। ठीक है, तो इक्वल्स टू देके हम लोग क्या करेंगे, इफ उसी तरह इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड लिखेंगे। ठीक है, और एक स्टार्ट एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एवरेज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 होता है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, एवरेज लेस देन 50 ब्रैकेट क्लोज कॉमा क्या रिजल्ट आना चाहिए, वो डी आना चाहिए। ठीक है, लिख दिया मैंने। तो मैं अभी वो फॉर्मूला देखिए मैंने क्या डाला है, क्यों डाला है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ग्रेड निकालना है। ग्रेड नॉर्मली क्या होता है, 10 से 5 to 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा करके हम लोग निकालते हैं। अगर 10 से 20 किसी का स्टूडेंट्स का मार्क्स आता है तो वो डी में आता है या सी में आता है, ऐसी कंडीशन डालते हैं। ठीक, उसी तरह हम लोग कंडीशन यहाँ पे डाला है इफ एंड। इफ का मतलब अगर और एंड मतलब वो तक कंडीशन, उसी कंडीशन तक। ठीक है, तो हमने इफ कंडीशन डाला है और एंड कंडीशन डाला है, साथ ही ब्रैकेट स्टार्ट किया है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है हमने इसको स्टार्ट किया लेकिन इसको क्लोज नहीं किया। ठीक है, उसको क्लोज हम कहाँ पे करेंगे, लास्ट तक करेंगे। ठीक है, तो देखिए M4 का मतलब क्या है, एवरेज मार्क्स। ठीक है, एवरेज मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 होता है और लेस देन एवरेज अगर लेस देन 50 होता है, लेस देन इक्वल्स टू 50 होता है, लेस देन 50 होता है, ठीक है, तो डी। ठीक है, अगर वो कंडीशन पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग क्या क्या डालते हैं, वो अभी ठीक उसी तरह इफ लिखेंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट स्टार्ट एवरेज, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 कॉमा एवरेज लेस देन 65। ठीक है, तो उसको ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या रिजल्ट आना चाहिए, कॉमा यहाँ पे आना चाहिए सी। ठीक है, फिर से कॉमा, ठीक उसी तरह और कंडीशन डालेंगे, इफ एंड एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65, एवरेज इज लेस देन 80। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन रिजल्ट क्या होना चाहिए, बी। ठीक है, उसके बाद फिर से कंडीशन डालेंगे, इफ एंड ब्रैकेट स्टार्ट एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। ठीक है, और एवरेज इज लेस देन 100। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्या होना चाहिए, हम डालेंगे ए। ठीक है, तो देखिए मैंने अंदर का तो ब्रैकेट हमने सब बंद कर दिया लेकिन बाहर का जो ब्रैकेट्स है उसको हम लोग बंद नहीं किया, तो उसको हम लोग साथ ही साथ लास्ट में बंद करेंगे।
ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं। क्लोज, एक दो बंद हो गया, तीन बंद हो गया, अभी चौथा भी बंद हो गया। ठीक है, अभी हम लोग एंटर दबाते हैं और देखते हैं उनका रिजल्ट। ठीक है, वो उसका डी आया। ठीक है, ठीक उसी तरह सभी का हम लोग यहाँ पे ड्रैग करके सबका एक ही साथ निकाल लेंगे। ठीक है, सबका रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हम लोग सभी का एक ही साथ रिजल्ट निकाल सकते हैं। हम लोग कोई भी एक रिजल्ट ना मार्कशीट बनाना हो तो हम बना सकते हैं, या फिर किसी का कोई इंस्टीट्यूट का कुछ बनाना है हम वो कर सकते हैं, इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ सीखा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप और आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो का, या फिर कुछ भी कोई भी क्वेश्चन का क्वेश्चन है तो मेरा कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सॉल्व करके दूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन में मिल जाए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे और हैव अ गुड डे, बाय। नंबर 23 तरह